हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास मेनली चार ऑपरेशन आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली बाइनरी नंबर्स के ऊपर, क्योंकि डेसिमल के ऊपर तो आप बचपन से ही करते आ रहे हो कि कैसे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले, बिफोर वी स्टार्ट विद द एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहां पे अनसाइंड नंबर्स हैं और साइंड नंबर्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे अनसाइंड नंबर्स की, फिर हम बात करेंगे साइंड नंबर्स की, तब जाके आपको क्लियर होगा कि यार एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे होती है। क्योंकि पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि यार साइंड नंबर है या अनसाइंड नंबर है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अनसाइंड नंबर की, तो जैसे डेसिमल में हम क्या लिखते हैं, नॉर्मली अगर मैं लिखता हूं लेट्स से 10, तो 10 बाय डिफॉल्ट क्या है, हम पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करते हैं ना। कुछ भी नंबर आप लिखते हो, बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर अलग से मेंशन किया होगा लाइक -35, तब मुझे पता लगेगा ओके, ये जो 35 वैल्यू है ये माइनस में है। तो वैसे ही अगर हम यहां पे बात करें, अनसाइंड का मतलब क्या है कि सिंपली आप, अगर लेट से मैं आपको बोल दूं कि बाइनरी में चार बिट में कोई नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी पूरी की पूरी रेंज क्या बनेगी, चार बिट में जीरो से आप स्टार्ट करते हो, 0000 से लेके 1111 तक जाते हो। लेकिन साइंड नंबर में हम यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पे हमें नंबर को पहले चेक करना पड़ता है कि भैया ये पॉजिटिव नंबर है या ये नेगेटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव है तो हम किस तरीके से चलें, नेगेटिव है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करें। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे अनसाइंड नंबर की। तो लेट से अगर हम बाइनरी अनसाइंड नंबर की बात करें या बाइनरी नंबर की बात करें, तो बाइनरी में अगर आपको दे दिया जाए कि लेट से 3 bits है मेरे पास, टोटल जो है 3 bits है, तो कितने अनसाइंड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अनसाइंड। तो देखो, अगर मेरे पास 3 bits है ना, तो यानी इसमें मेरा जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब कि कितनी बिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और कितनी बिट साइन को, तो यहां पे साइन के लिए कोई बिट रिजर्व नहीं है, देयर इज नो बिट रिजर्व्ड फॉर द साइन। लेकिन साइंड नंबर्स के केस में 1 bit जो MSV bit होती है वो आपकी रिजर्व्ड होती है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बाकी की जो n-1 है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि यार ये नंबर क्या है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ आपको n-1 को ही कंसीडर करना है, लेकिन यहां पे सारी की सारी बिट को। तो आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल 0000 0010 0101 1001 1001 1101, गेटिंग द पॉइंट। सो सिंपली मेरे पास अगर 3 bits में है तो 000 से लेके 111 तक, तो यानी आप सिंपली कह सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड शो करेगा वो तीनों बिट शो करेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 raised to power 0 into 1, 2 raised to power 1 into 1, 2 raised to power 2 into 1, तो यानी क्या बन गया, 4 plus 2 6 plus 1 7, गेटिंग द वर्ड। तो यानी मैंने इसको भी कंसीडर किया, इसको भी, तीनों बिट को कंसीडर किया, तब जाके मेरा एक्चुअल में डेसिमल में नंबर आया। तो यानी तीनों बिट पार्टिसिपेट करेंगी आपकी, कोई भी बिट रिजर्व नहीं है, कोई भी बिट साइन रिजर्व के लिए हम नहीं यूज कर रहे। अब यहां पे अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज अनसाइंड नंबर में क्या बनेगी, अगर आपको n bits दे दी जाए कि देर आर n bits फॉर द बाइनरी नंबर, तो यानी हमारी रेंज बनेगी 0 to 2 raised to power n-1, 0 to 2 raised to power n-1, माइनस वन कहां पे आएगा, यहां पे, गेटिंग द पॉइंट, 0 to 2 raised to power n-1। देखो यहां पे अगर 3 bits दी जाए तो 0 से 2 raised to power 3 8 minus 1 7, तो देखो 0 से 7 हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये क्या है हमारे पास डेसिमल में, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे अगर आपको 4 bits दे दिए जाए तो 0 to 2 raised to power 4 minus 1 15 बन जाएगा, 31 बन जाएगा, इस तरीके से आप इसको फुलफिल कर सकते हो। तो ये हमारे पास होते हैं अनसाइंड। अगर हम बात करें साइंड नंबर की केस में, तो साइंड नंबर के केस में हमारे पास जो MSV bit है, लेट से 3 bits का ही नंबर ले रहे हैं, 3 bits के नंबर में ये हमारी MSV bit है, तो ये bit क्या शो करती है, साइन शो करती है कि भैया ये पॉजिटिव नंबर है या ये नेगेटिव नंबर है। तो देखो, 3 bits का अगर मेरे पास बाइनरी नंबर हो तो रेंज तो वही बनेगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
110111। तो देखो रेंज तो हमारी एक तरीके से यही बनी 000 से लेके 111, लेकिन इसमें याद क्या रखना है कि ये जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है साइन। तो यानी जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी की बिट्स, तो यानी n माइनस 1 बिट्स क्या शो करती है मैग्नीट्यूड, और जो nth बिट है या आप कह सकते हो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन को शो करती है। तो देखो अगर ये साइन को शो कर रही है तो जीरो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और वन क्या शो करता है, नेगेटिव नंबर। ये पॉइंट याद रखना, जीरो मतलब पॉजिटिव, वन मतलब नेगेटिव। तो देखो ये हमारा जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो बाकी की दो जीरो को उठा लो तो इसको जब आप डेसिमल में करोगे तो क्या बनेगा, जीरो ही तो बनेगा। नेक्स्ट वन, ये क्या बन गया, जीरो वन क्या होता है, वन ही होता है, और जो साइन है वो क्या है, जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो यानी पॉजिटिव में वन है, ये पॉजिटिव में जीरो, पॉजिटिव में वन, ये क्या बन गया पॉजिटिव में टू, ये पॉजिटिव में क्या बन गया थ्री। अब देखो ये आ गया वन, वन मतलब नेगेटिव नंबर, और ये बाकी का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो जीरो, यानी जीरो नेगेटिव में। देखो जीरो तो वैसे पॉजिटिव में ही होती बाई डिफॉल्ट, लेकिन एक बार लिखने के लिए आप इसको लिख दो, ये एक्चुअली ड्रॉबैक भी है साइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि जीरो जो है हम दो बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जीरो तो जीरो ही है, चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, लेकिन फिर भी ये डिसएडवांटेज आपको कई बार थ्योरी में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट वन, ये क्या है, नेगेटिव नंबर, और जीरो वन क्या होता है, वन, तो यानी ये माइनस का वन, ये क्या बन गया माइनस का टू, ये क्या बन गया माइनस का थ्री। तो देखो ये हमारे पास रेंज बनेगी तीन बिट में, ये बनेगी चार बिट में, आप उसके अकॉर्डिंग पांच बिट में, जो भी आपको दिया जाए आप सिंपली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज की अगर हम बात करें तो क्या बनी रेंज, माइनस 2 raise to power n minus 1, minus 2 raise to power, क्योंकि देखो हमारे पास 3 बिट का नंबर है, तो पहले माइनस में 0 से लेके 2 raise to power n minus 1 तक गए, प्लस 1 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो रेंज 0 से लेके, अगर हमारे पास लेट से 3 बिट का नंबर है तो अगर आप 3 बिट फुल करोगे तो 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 2, 2 रेस्ट टू 2 क्या होता है 4, 0 से 4, लेकिन हम माइनस में या प्लस में भी अगर हम बात करें तो 0 से 4 तक नहीं जा रहे, हम 3 तक ही जा रहे हैं, तो यानी माइनस 2n माइनस 1 प्लस 1 से लेके कहां तक रेंज है, 2 रेस टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 तक हमारे पास रेंज बनेगी। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो 2 रेस टू पावर 3 माइनस 1, 2 प्लस 1 से लेके 2 रेस टू पावर 2 माइनस 1 तक, यानी आप माइनस 2 रेस टू 2 क्या होता है 4, 4 प्लस 1 3, गेटिंग द पॉइंट। तो माइनस 3 से लेके 4 माइनस 1 क्या बन गया 3, तो देखो माइनस 3 हमारे पास है रेंज, यस, और प्लस 3 है हमारे पास, हाँ, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 3, प्लस 3, और माइनस के केस में मैक्सिमम क्या है माइनस 3, आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो। तो यहां पे एक नंबर जो है वो क्या खत्म हो गया, ये जो जीरो की वजह से यहां पे नंबर जो है वो ये एक यूटिलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि जीरो को हम पॉजिटिव में भी शो करें नेगेटिव में भी अननेसेसरी शो करें। तो ये हमारे पास है साइंड नंबर की कहानी। ये रेंजेस आपको याद होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहले कि अनसाइंड नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं, और फिर साइंड नंबर में कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि साइंड नंबर में जब हम बात करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, तब जाके आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी स्पेशली सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। Thank you.